मास ऑफ एन एटम, हम एटम का मास किस तरीके से मेजर कर सकते हैं? तो हमें ये तो पता है कि अगर हमको एटम का मास निकालना है तो उसके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को प्लस कर देंगे, मतलब न्यूक्लियॉन्स जो होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर जो होते हैं उनको हम प्लस कर देंगे तो हमको एक वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। बट ये वैल्यू जो है, ये वैल्यू किस में एक्सप्रेस की जाती है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं कि ये वैल्यू डाल्टन्स में एक्सप्रेस की जाती है या यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट, जिसे पहले AMU बोला जाता था, अब उसको इंटीग्रेट करके U बोला जाता है या डाल्टन का DA कहा जाता है। तो इन दोनों में थोड़ा सा फ़र्क आ जाता है। AMU को स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्म बोल सकते हैं उसका, डाल्टन को। तो डाल्टन, एक डाल्टन क्या होता है पहले वो समझें। 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन 12 एटम, कोई भी कार्बन 12 का एटम है, मतलब कार्बन 12 एटम जिसका मास क्या है, 12 है, उसका 1/12 क्या होगा, एक डाल्टन कहलाएगा। यहाँ पे कुछ थोड़ी सी क्या बोलते हैं, कंडीशन है कि वो ग्राउंड स्टेट में होना चाहिए और वो रेस्ट में होना चाहिए, ठीक है। ग्राउंड स्टेट में होना चाहिए, रेस्ट में होना चाहिए, इसका क्या फ़ायदा है कि उसमें एनर्जी थोड़ी सी कम होगी, एक्स्ट्रा एनर्जी की रिक्वायरमेंट वहाँ पर नहीं लग रही होगी, उसके अंदर एनर्जी, एक्स्ट्रा एनर्जी नहीं होगी। तो बोल सकते हैं एक तरीके से न्यूट्रल फॉर्म में कार्बन 12 का एटम लोगे तो उसके 1/12 मास को 1 डाल्टन कहा गया है। तो फॉर एग्जांपल अगर आप हीलियम लेते हो तो हीलियम का कितना होगा, 4.0026 डाल्टन्स। ऐसे हीलियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 2 होता है, ठीक है। तो इसका अगर वैल्यू 4 आ रही है तो मतलब हम समझ सकते हैं कि उसमें 2 प्रोटॉन होंगे क्योंकि एटॉमिक नंबर 2 है, और 2 न्यूट्रॉन होंगे, तब वहाँ जाके वो मिलके 4 पॉइंट समथिंग डाल्टन बना रहा है। अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है डाल्टन और मोल के बीच में। कैसे, मोल आपको पता है क्या होता है? मोल होता है किसी भी सब्सटेंस का अमाउंट जानने के लिए। जैसे हम बोल सकते हैं कि 1 मोल वाटर ले लिया मैंने, 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड ले लिया मैंने, तो किस तरीके से होगा ये? किसी भी सब्सटेंस का 1 मोल का मास उसका मोलर मास कहलाता है, ठीक है, मोल का मास मोलर मास। और उसका डाल्टन में मास मॉलिक्यूलर मास या एटॉमिक मास कहलाता है, ठीक है। अगर हम मॉलिक्यूल ले रहे हैं तो मॉलिक्यूलर मास, एटम ले रहे हैं या एटॉमिक मास, करेक्ट। अब हम ये बोल रहे हैं कि यहाँ पर वो जो मास डाल्टन में होता है, एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास, वही इक्वल होता है उसके मोलर मास के ग्राम्स में। मतलब कि यहाँ पर अगर हम वाटर का एग्जांपल ले रहे हैं, वाटर का मॉलिक्यूलर मास जो है वो क्या है, 18.0153 डाल्टन। तो उसका जो मोलर मास है, मतलब 1 मोल H2O कितना होगा, 18.0153 ग्राम्स। तो ये इस तरीके से इक्वलाइज होता है मास ऑफ द एटम, ओके। इस तरीके से मोल और डेल्टन एक दूसरे से क्या होते हैं, क्लोजली एसोसिएटेड होते हैं। अगर आपको किसी भी चीज़ का मोलर मास निकालना है तो आप उसका मॉलिकुलर मास या एटॉमिक मास पता कर सकते हो डाल्टन्स में, और उसको मोलर मास में कन्वर्ट कर सकते हो। तो अगर आपको 1 मोल हीलियम चाहिए तो आप क्या करोगे, 4.0026 ग्राम्स हीलियम को ले लोगे, जो कि वो क्या हो जाएगा, वो उसका 1 मोल हो जाएगा। सो दिस वॉज द वीडियो अबाउट मास ऑफ एन एटम। थैंक यू।